इस बार भूसे के दाम आसमान छुए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने निराश्रित गौवंश के पालन के लिए एक समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में प्रशासन भूसा देने वाले ठेकेदारों पर कम कीमत में भूसा उपलब्ध कराने के लिए दबाव बना रहा है। वहीं किसान आवारा घूम रहे गौवंश से खासे परेशान हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निराश्रित गौवंश के पालन के लिए सरकार की ओर से 30 प्रति गाय देने की घोषणा की है, लेकिन वर्तमान में उसी के रेट 18 से 20 प्रति किलो हैं। ऐसे में 30 प्रति गाय के हिसाब से एक गौवंश का पालन करना नामुमकिन है। यही वजह है कि प्रशासन के सामने भी सरकारी गौशालाओं में पल रहे गौवंश का पालन करना समस्या बनता जा रहा है। इस वक्त जनपद में भूसे के दाम लगभग 800 रुपए प्रति मन है, यानी 2000 प्रति कुंटल, और एक गौवंश दिन में 5 से 7 किलो भूसा खाता है। वर्तमान कीमतों के हिसाब से एक गौवंश के लिए प्रतिदिन 100 से 140 काव्या माना जा रहा है। अब ऐसे में 30 के हिसाब से कैसे गौवंश का पालन हो, ऐसी समस्या के समाधान को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़, जिला पशुपालन अधिकारी हरेंद्र सिंह सहित तमाम अधिकारी और भूसा सप्लायर मौजूद रहे। प्रशासन ने काफी मंथन किया और भूसा की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार पर दबाव बनाया कि लगभग 800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस बार भूसे की सप्लाई दे। हालांकि जिलाधिकारी ने बताया कि पड़ोसी राज्यों में भूसे जाने से रोक दिया गया था, फिर भी इस बार सरसों की ज्यादा और गेहूं की पैदावार कम होने के कारण भूसे के रेट बढ़ गए हैं। फिर भी प्रशासन सरकारी गौशाला के लिए प्रबंध करने में जुटा हुआ है। इस बारे में जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने ये बताया की बैठक की गई थी, जिसके अंतर्गत सीडीओ साहब, सीवीओ साहब, हमारे पंचायती राज के ऑफिसर्स, ट्रेजरी के ऑफिसर्स और जो हमारे वेंडर्स हैं, जो भूसे की व्यवस्था जो हमारी विभिन्न गौशालाएं हैं उनमें करते हैं, तो उस या कर सकते हैं, उनके साथ एक बैठक की गई। तो हम सभी जानते हैं कि इस समय पर जो निराश्रित गौवंश हैं उनके लिए भूसे की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित कराना शासन के लिए प्राथमिकता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सभी जो हमारे वेंडर्स हैं उनके साथ चर्चा की गई और मिनिमम रेट्स के ऊपर, एक कॉम्पिटिटिव दरों के ऊपर वो अप्लाई करें। ई टेंडर जो किए गए हैं विभिन्न ब्लॉक लेवल्स पर, उसके लिए विचार विमर्श किया गया, किन प्रदेशों में भूसे की उपलब्धता अच्छी है, कहाँ पर रेट सबसे कम है, उसके बारे में डिस्कशन किए गए और अधिक से अधिक वेंडर्स हमारी जो ई टेंडर की जो प्रक्रिया है उसमें प्रतिभाग करें, कम से कम मूल्य पर हमारी जो निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल है वहाँ पर भूसा उपलब्ध कराने के लिए बिड करें, उसके लिए एक समन्वय बैठक आज की गई थी। ये देखिए, सब एवरीथिंग इज डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड सप्लाई गैप जो है उसी के आधार के ऊपर जो रेट का निर्धारण है वो किसी भी मार्केट में, या इकोनॉमिक्स जो कहता है वो किसी भी मार्केट में इसी के आधार पर निर्धारित होता है। अब की बार सप्लाई डिमांड का गैप इस प्रकार है कि रेट्स कुछ ज़्यादा है। सरसों का ये बताया गया है कि उत्पादन ज़्यादा किया गया है, गेहूं का उत्पादन कंपैरेटिवली कम हुआ है, जिस कारण भूसे की उपलब्धता में कुछ शॉर्टेज आई है। तो डिमांड सप्लाई गैप जो है वही मार्केट इकोनॉमिक्स में रेट डिसाइड करते हैं। तो इस वर्ष की जैसी जैसी स्थिति है उसके अनुसार शासन कदम उठा रहा है। रेट ज़्यादा होने की वजह से किसानों ने जो अपने समीप राज्यों में भेज दिया अपना भूसा, जो हमारे प्रदेश से बाहर जाने के लिए जो रोक थी वो 9 अप्रैल को ही हमारे द्वारा लगा दी गई थी, जिसके क्रम में जो हमारे समीपवर्ती प्रदेश हैं, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि, वहाँ के बॉर्डर्स पर ये व्यवस्था सुनिश्चित कर ली थी कि हमारे जनपद का भूसा बाहर ना जाए। तो उससे काफ़ी भूसा जनपद के बाहर जाने से रुका है और अब जो हमारे पास उपलब्धता है और जो हमारे पास उपलब्धता और अच्छी हो सकती है उसके संबंध में वेंडर्स के साथ बातचीत हुई, न्यूनतम दरों पर हमारे जो गौवंश हैं उन्हें अच्छा चारा, भूसा इत्यादि मिल सके, इसके लिए समन्वित बैठक की गई थी। प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भूसे की सप्लाई करने वाले ठेकेदारों ने बताया कि जिला प्रशासन ने पिछले वर्ष का ही उनका भुगतान अभी तक नहीं किया है। इसके साथ उन्होंने गौशाला संचालकों की धोखाधड़ी को उजागर करते हुए ये भी बताया कि जिस रेट पर वह भूसा देते हैं, कौन से बिल ले जाते हैं और बाद में पेमेंट के वक्त गौशाला प्रबंधक अपने बिल लगाकर मनमाना भुगतान प्राप्त कर लेते हैं और उनका भुगतान अटक जाता है। जब ठेकेदार से जानकारी की गई तो उन्होंने ये बताया। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने आज बैठक ली है, जिसमें गौवंश के लिए जो चारे की समस्या थी उसको लेकर के निर्धारण करने का उन्होंने आज
सरकारी गौशालाओं को लेकर, ब्लॉक स्तर पर जो गौशाला हैं उनके लिए जो चारे की व्यवस्था करने की बात करिए। नहीं, हमारा धर्मकांटा है, श्री राधे कृष्ण धर्मकांटा, पानी गाँव से बोल रहा हूँ। तो हमने बताया कि आज का जो मार्केट रेट है वो करीब 600 रुपये मन का है, तो साहब कह रहे हैं बोले करीब इसको 800 रुपये कुंटल में लेके आइए, बाहर से बात करिएगा, जहाँ से भी सोर्सेस हो सकते हैं करीब आधे रेट पे लेके आइए। तो वो मुझे नहीं लग रहा कि संभव हो पाएगा, लेकिन अगर प्रयास करेंगे, हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि निश्चित है कि जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, तो पूरी उम्मीद है कि हम लोग। जनपद के अंदर तो काफ़ी डिमांड रहेगी, मैं कहूँगा किसी एक गौशाला की बात करें तो करीब पर डे 150 मन का एवरेज मान के चलिएगा, करीब 3,000-2,500 गौशाला गाय वाली में एवरेज में 5 से 7 किलो 8 किलो मतलब गाय के एवरेज का रहता है, 10 किलो तक रहता है। हाँ, एक पेंडिंग चल रहा है उधर वाली गौशाला में, मेरा भुगतान नहीं हुआ है उसमें, मेरे यहाँ से बिल लिए गए थे, मेरे पास रिसीविंग भी है उसकी, और उस रिसीविंग के माध्यम पर अक्टूबर से पेंडिंग चल रहा है। वो बिल हमसे लिए थे, हमने बिल दिया गौशाला, उधर गौशाला ने, प्रधान जी ने और संबंधित कर्मचारी हैं जो गौशाला के, उनसे उन्होंने बिल लिए थे, लेकिन हमारे अकाउंट में अभी तक उसका पेमेंट नहीं आया। किसी जैसे किसी एक के इंडिविजुअल नाम से उन्होंने अपने बिल लगा दिए होंगे, जब मैं नहीं जानता हूँ क्या है, लेकिन वो मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं आया। ये घटना भाई साहब मुझे बताइए, ये घटना मेरे साथ आज से 1 साल पहले हुई थी। हाँ, लगभग मैं माल देता था उनको, 67 लाख रुपये का माल दिया था मैंने उनको, बिल मेरे पास थे, उनको मैंने बिल दिए, बिल देने के बाद उन्होंने साइन किए, लिफाफे साइन किए, उसके बाद मेरे बिल अपने घर रख लिए। मेरे बिलों के बाद में किसी और कांटो वाले से राया से बिल बनवा के फर्जी दूसरे वाले, और वो भुगतान के कांटे वालों के खाते में। कितने का अंतर रहा आपका उनके रेट में? रेट में तो कोई अंतर नहीं रहा, रेट से क्या मतलब है? जैसे फर्जी जो आपने बिल लगा के अपने लगाए, वो तो बेईमानी थी, बिल घर पर रख लिए, किसी दूसरे लगा दिए, उसके खाते में डाल देंगे पैसा, उसको कमीशन दे देंगे, उससे पैसा हमारे खाते में आ जाएगा, उसकी बेईमानी हो जाएगी। वहीं युवा किसान प्रवीण ठाकुर ने कहा कि सरकारी आंकड़े हमेशा झूठ दिखाते हैं। उन्होंने कहा मतलब जनपद के प्रत्येक गांव में हजारों की संख्या में गौवंश आवारा घूम रहा है, उन्हें भोजन नसीब नहीं होता, इसीलिए वह किसानों के खेतों में घुस जाते हैं, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। आइए अब आपको बताते हैं क्या कहना है किसान प्रवीण ठाकुर का। बिल्कुल निश्चित रूप से प्रशासन बचने का काम कर रहा है, झूठ बोल रहा है। देखिए, एक तो गौशालाओं में हैं जो, वो भी आधी तो गौशालाओं के जो मालिक जो संचालित कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, वही खा जाते हैं, वहीं भूखी मर रही हैं। और आप किसी भी, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, गांव देहात में जाएंगे, रात भर किसान लाठी लेके डंडा लेके अपनी फसलों को बचाता घूम रहा है। आवारा जो गाय के अलावा जो सांड हैं, बिजार हैं, उन्हें ये किस श्रेणी में लेते हैं? तो वो तो हर शहर की गलियों में, गांव में, खेतों में ऐसे ही घूम रहे हैं, और उनके लिए तो सरकार या तो उन्हें गिनती में नहीं लेती है, या कहीं गिन नहीं रही है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना उन्हें पकड़ने की व्यवस्था है, ना रोकने की व्यवस्था है, वो भूखे मर रहे हैं। तो गाँव देहातों में किसानों का नुकसान कर रहे हैं, इससे किसान भी बहुत परेशान है। जो प्रशासन जो व्यवस्था करता है गौशालाओं में, केवल वो थोड़े बहुत लोग हैं जो प्रशासन कर रहा है, वो तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करता है सरकार को दिखाने के लिए, कागजी कार्रवाई करता है। जो 4, 6, 8, 10 जो गौशाला, वो भी बड़े बड़े लोगों की बनी हुई हैं, जिनमें आधिपत्य कुछ ही लोगों का है, वो उसे संचालित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो भी उसमें से कुछ ना कुछ खा जाते हैं, बाकी कोई भी कार्रवाई जमीनी है नहीं। आप भी भैया मीडिया से लगातार देखते हैं कि देहात में खासतौर पर सबसे बड़ी समस्या देहात में किसानों को है, वरना शहरों में भी गली में सांड, बिजार और गाय खूब भूखे प्यासे घूम रहे हैं।